जिला पंचायत द्वार है, जिला पंचायत रायबरेली का ये गेट है, आगे ही जाके जिला पंचायत सभागार है इस तरफ बाई ओर। यहाँ पे हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा शिवा है। शिवा शिवा शिवा। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? आप खुद ही देख रहे हैं कि जो है कितना पानी भरा रहता है, ना रोड है ना कुछ है, बस सर मैं इसमें काम बोल रहा हूँ। इस समय मैं प्रेजेंट टाइम पे यहाँ रायबरेली सत्यनगर से हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे नालियाँ फना रही हैं, और सुबह का माहौल ऐसा था कि ये नहीं पता चल पा रहा था कहाँ से सीवर लाइन है, कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। दो बार तो मैं भी गिरते गिरते बचा। दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे रास्ते में चलने में बहुत समस्या होती है। आज मेरा खुद ही 4.5 लीटर दूध गिर गया गड्ढे की वजह से। क्या है कि आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा और कितना करकट यहाँ पे इकट्ठा है। आने जाने में समस्या है। यहाँ एक बड़ी सी संस्था भी है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। कौन सी संस्था है ये? ये SGS पब्लिक स्कूल है जहाँ पे मैं भी पढ़ता हूँ जी, लेकिन मेरा रोड इधर से नहीं पड़ती, मैं उधर चले जाता हूँ। लेकिन जिसका घर इधर है उसको बहुत समस्या है, तो मैं नगर पालिका से यही कष्ट निवेदन करूँगा कि यहाँ की समस्या को हल किया जाए। अच्छा, नगर पालिका की प्रॉब्लम हमको लग रही है, और इस पर अगर गवर्नमेंट का प्रॉपर नज़र रखा जाए और नगर पालिका स्पेशली इसको केयर करे तो पानी का निकास प्रॉपर हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है।